आज का जो प्रोग्राम है यहाँ बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़ वो यहाँ आ रहे हैं और वो वाल्मीकि समाज का डोंग करके वाल्मीकि समाज हमारे किसान आंदोलन के पक्ष में है मगर कुछ उसके जो पार्टी के साथी है उनके साथ मिलकर वो प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ और भाईचारा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साल पहले जब इनकी सत्ता में सरकार नहीं थी ये कह रहे थे कि हम बीजेपी की जब सरकार बनेगी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों के आय दुगनी करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर आज साथी बिल्कुल चुप्पी साध रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और भाईचारा तोड़ रहे हैं और इस देश को तोड़ने में कामयाब है। काले झंडे के पीछे दिखाने का क्या मकसद है? काले झंडे मतलब आम जनता, आम पब्लिक, छत्तीस जात का भाईचारा मिलकर आपका विरोध कर रहे हैं कि भाई जनता जाग चुकी है, आप किसान का मेरे मजदूर को क्यों मार रहे हैं? धन खड़को क्यों कानून लेने विरोध काले कानून जो कृषि के खिलाफ तीन काले कानून बिल लगा रखे है उसका उसमें विरोध कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? मोदी सरकार का, खट्टर सरकार का। आज काले झंडे किसको दिखा रहे हो? क्या नाम हो? पितन खड़को। ठीक, ये एक मतलब कि बानने तोड़े एक समाजी ताना बाना को तोड़ना चाह रहे हैं तो उसको हम टूटने नहीं देंगे। उसकी चाल मतलब कि सामाजिक ताना बाना हमारा भाईचारा जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। और सरकार यही सोचती है भाई इसको आपस में बढ़वा दे, ये भी आने वाले नहीं है सारे, मतलब कि वाल्मीकि भी हमारे साथ है, छत्ती बरादरी साथ है।